संडे तो संडे स्पेशल में कुछ स्पेशल होता है। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते, तो आप मेरे साथ रहें और देखें कि मैं किस तरह से बड़ी आसानी के साथ बनाती हूँ कोफ्ते। फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने कोफ्तों में कौन कौन सी यूज़ करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है और फिर हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और नई और इंटरटेनमेंट जो है वो वीडियोज़ बनाएँ, व्लॉग बनाएँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने कोफ्तों के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स जो है मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर ये नमक, मिर्च और हल्दी जो कि हर रेसिपी में यूज़ होती हैं, इसके लिए मुझे चाहिए होंगी ग्रीन चिली। उसके अलावा ये मेरे पास है साबुत धनिया और ज़ीरा। उसके बाद जी लहसुन अदरक, और मुझे चाहिए होगा बेसन और एक अदद अंडा, और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है हमारे पास कीमा, जो कि मैंने 1 किलो लिया है। ठीक है, ये मैंने हल्का गरम तवा किया हुआ था, इसके ऊपर जो है मैं बेसन को थोड़ा, बस बेसन मेरा भून चुका है, ये देखें, इसको हल्का से ही भूनना है जैसे इसका जो कच्चा पन है वो ख़त्म हो जाए। ये नहीं कि इसको आप ब्राउन करने पे आ जाए कि इसको ब्राउन करें तो फिर हम इसको यूज़ करें, हल्का से जस्ट फ्राई करना है। ठीक है, कोफ्तों के लिए मसाला तैयार करने लगे, सबसे पहले अदरक डालूंगे, अदरक को मोटा मोटा पीस दूंगा, हो गया अदरक। अभी मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी फ्रेंड्स, ये जो लहसुन और अदरक। तो फ्रेंड्स, अभी ये मैंने कीमा लिया है, इसमें ये जो मैंने बेसन भूना था वो डाल दूंगी, और ये लहसुन और अदरक परेशान नहीं होना, सारा नहीं डालूंगी, सिर्फ 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे। ज़्यादा मैंने इसलिए पीसा कि अभी मैंने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, उसमें भी मैंने इसको यूज़ करना है। ये साबुत धनिया और ज़ीरा, ये भी हम 2 चम्मच ही डालेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा डाल देते हैं, और ये नमक, मिर्च और हल्दी, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके लिए मुझे एक अंडा भी चाहिए होगा, तो अंडा मैं पहले तोड़ के देख लेती हूँ, खराब तो नहीं है, नहीं भी बस अंडा तो ठीक है। अभी हम इसमें ये भी ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद हम इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका ये मसाला जो हम कीमे के साथ तैयार कर रहे हैं कोफ्तों का थोड़ा पतला है, तो फिर आप इसमें बेसन जो है वो भून के और डाल सकती हैं। मैंने पहले थोड़ा डाला था, बाकी का बचा हुआ बेसन जो है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और कीमा जब आपने धोना है तो आपने उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, कीमे में पानी ना हो। अगर आपके कीमे में पानी होगा तो ऐसा होगा कि आपका ये जो हम मसाला बना रहे हैं वो पतला ही रह जाएगा, उसमें कितना ज़्यादा भी बेसन डालोगे ना, फिर आपने अंडा भी उसमें ऐड करना होगा, आपके कोफ्ते जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये हमारा मसाला कोफ्तों का हो गया रेडी, अब हम इसके गोल गोल जो हैं वो कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार करनी है, उसके लिए मैं प्याज काट रही हूँ, तो प्याज काटने के बाद हम उसकी जो है साथ साथ ग्रेवी भी प्रिपेयर करेंगे, तो जैसे ही हमारी ग्रेवी बनेगी साथ में हमारे कोफ्ते भी बन चुके होंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे। प्याज रखी है चूल्हे पे, और अभी मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल आप अपने अंदाजे से डाल लीजिएगा कि कितने में आपका मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। चले, तो जब तक हमारा प्याज जो है वो ब्राउन होता है, तब तक हम साथ साथ हम इसको भी तैयार करेंगे। के लिए जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है जी दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और साथ में करी पत्ता। करी पत्ता अगर आप डालना चाहें तो भी ठीक है, ना डालना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। उसके साथ यही वही मसाला जो मैंने बनाया था, साबुत मिर्च, साबुत धनिया और ज़ीरे का, और लहसुन अदरक, सब्ज़ मिर्च और 3 अदद टमाटर, और इसके साथ मुझे चाहिए होगा दही। आपको पता है नमक, मिर्च और हल्दी तो हर खाने में डलता ही है, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। ये ट्रे को मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी,
इसके ऊपर मैं बना के रखूँगी कोफ्ते, ठीक है। और मैंने अपने हाथ को भी ऑयल लगा लिया। अभी मैं यहाँ से छोटे छोटे बनाएंगे, क्योंकि हमने इसमें एग डाला हुआ है, तो ये जब हम इनको सालन में डालेंगे तो ये फूल के और बड़े हो जाएंगे, ठीक है। मैं साइज़ जो रख रही हूँ ये है, तो ये हमारा एक तैयार हो गया। इसी तरह से जो है ये सारे कीमे के मैं कोफ्ते बना लूँगी। फ्रेंड्स ये देखें प्याज हो गया प्रॉन, तो अभी पहले मैं इसमें जो है वो टमाटर डालूँगी। इसमें टमाटर डाल लिए, अभी मैं इसमें 2 स्पून जो है वो अदरक के डाल दूँगी। अदरक और लहसुन ये दोनों मैंने इकट्ठे ही पीस लिए थे, तो ये मैंने दोनों जो है वो डाल लिए। साथ ही ये साबुत धनिया और ज़ीरा जो मैंने पीस के रखा था वो डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले डाल सकते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं कुछ कम खाते हैं, जिस तरह का आप पसंद करते हैं उस तरह का आप जो है वो उसमें डाल सकते हैं। अभी हम इसको इसी तरह से भूनेंगे। बेटी अभी इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी है और नमक डालूंगी। अभी मैंने 1 स्पून डाला है, तो अगर मुझे कम लगा तो मैं फिर इसमें और ऐड कर लूँगी। फिर से वही बात कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। रेड मिर्च डालूँगी, ये हमारा जो है ग्रेवी का सामान तैयार हो रहा है। चलो मैं कोफ्तों को हल्का फ्राई करने लगी हूँ। अगर आप उनको कच्चा भी मसाले में डालेंगे तो भी वो ठीक हो जाएंगे, आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको फ्राई करना चाहते हैं कि नहीं। मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला, थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें कोफ्ते डाल के हल्के। ये मेरे पास कच्चे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद आप कम अज़ कम 1 महीने तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें ये डाल रही हूँ, इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल फ्राई नहीं करूँगी, हल्का हल्के फ्राई करूँगी, बाकी के ये जो है ये अपने सालन में जा कर जो है ये पक जाएंगे। इनको फ्राई इसलिए कर रही हूँ कि ये सालन में जा कर टूटे ना, टूटेंगे तो वैसे भी नहीं, लेकिन ये फ्राई करने से ये होगा कि ज़रा अच्छे से होते ज़्यादा हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और सालन में जाने के बाद ये टूटेंगे नहीं। ज़्यादा चम्मच के साथ आपने नहीं हिलाना, क्योंकि अगर आप चम्मच के साथ इनको हिलाएंगे तो इनके टूटने का ख़तरा है, इसलिए आपने इनको हल्का हल्का इस तरह से, जब आप देखें कि अब ये हल्के फ्राई हो गए फिर आप इनको जो है वो स्पून की मदद से हिला सकती हैं। अब ये देखिए, ये अब मैं इनको जैसे भी हिलाऊँगी ये टूटेंगे नहीं। हमारा तैयार होने वाला है, इसमें मैं दही भी ऐड कर लूँगी और इसको भूनती जाऊँगी। इसको अच्छे से भूनने के बाद अभी मैंने इसमें ये लौंग इलायची और दालचीनी भी डाल ली है। इसको इतना ज़्यादा भूनना है कि इसकी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, प्याज अलग से नज़र ना आए, अदरक अलग से, लहसुन अलग से, हर चीज़ जो वो एक जान हो जाए। तो ये बस अभी हमारा मसाला जो है वो तैयार होने वाला है। और आजकल गैस का बहुत इशू है, खाना क्या बनाना होता है, खाना बनाने लगे तो गैस ही चली जाती है। अभी कोफ्ते मेरे अभी तैयार नहीं हुए और गैस हमारी जो है वो कम स्लो हो गई है, क्या पता मुझे अब सिलेंडर पर खाना बनाना पड़े। ये भी खाई जाए, अभी मैं इसमें पानी डाल के तो इसको थोड़ा सा बॉईल आएगा, बॉईल आने के बाद फिर हम इसमें जो है अपने कोफ्ते ये जो मैंने तैयार किए हुए हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी। फ्रेंड्स गैस जो है वो चली गई है, ये देखें, तो अभी मैं इसको जो है वो साथ
सालन को जो है मैं सिलेंडर पे रखने लगी हूँ। कोफ्ते हमारे अभी तैयार नहीं हुए, अभी मैंने इसमें पानी डाला था, ये थोड़ा सा खोलना शुरू होगा तो फिर हम इसमें जो है वो आपने कोफ्ते डाल, जो हमारा पानी जो हमने डाला था ग्रेवी बनाने के लिए वो खोलना शुरू हो गया। तो मैं तो वैसे कच्चे ही डाल देती हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने जो है आपको फ्राई करके भी दिखाए हैं। तो अगर आप इस तरह खोलते हुए मैं कच्चे भी डालेंगे तो भी आपके कोफ्ते जो है वो टूटेंगे नहीं। इनको हिलाना आपने बहुत कम है, बस ये एक दफ़ा मैंने हिला दिया, अब हम इसको फिर से ढाँप देंगे और जैसे जैसे इसकी ग्रेवी गाढ़ी होगी ऐसे ऐसे ही ये कोफ्ते भी जो है वो सालन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये देखें कोफ्तों का सालन जो है वो मेरा रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसको डिश इन करूँगी और फिर थोड़ी सी हम इस पर गार्निश करेंगे और फिर हम इसको जो है वो सर्व करेंगे। ये देखें कोफ्ता देखें कितने मज़े के बने हैं, ये देखें हमारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हैं। ग्रेवी भी आपको आपके मुंह में यकीनन पानी आ रहा होगा कोफ्ते देख के, और ये वाकई भी बड़े मज़े के बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। सालन मैंने कोफ्तों का डिश इन कर लिया, अब मैंने ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो चॉप करके रखी हुई थी तो ये मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए थोड़ी सी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स आज का हमारा स्पेशल संडे डिश जो है वो तैयार है।